हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इन अ प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ के आ चुके हैं मोशन के बारे में, मोशन होता क्या है ना। उसी के साथ साथ हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जानी, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हमने। बट अब हमारा जो चैप्टर थोड़ा अलग है, उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो मोशन के बारे में पीछे पढ़ के आ चुके हैं उसका पीछे का रीजन क्या था, कॉज क्या था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स जब मेरे पास स्पीड चेंज हो रही थी तो कौन कर रहा था स्पीड को चेंज, उसके पीछे का रीजन जानेंगे। वो कौन है जो स्पीड चेंज कर देता है, वो कौन है जो डायरेक्शन चेंज कर देता है, एक्सीलरेशन लेके आता है, उस सब के ऊपर स्टडी करेंगे हम इन दिस चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसीलिए मैं इस चैप्टर को एक और नाम से जान सकता हूं, दैट इज कॉज ऑफ मोशन। लिखा था मेरे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, बट हम इसे कॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जान सकते हैं। कॉज ऑफ मोशन मतलब उसके पीछे का कारण, कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन के पीछे का रीजन क्या है वो हमें जानना होगा। हम क्या लिखेंगे आपका कॉज ऑफ मोशन, वही हम पढ़ते हैं फोर्स के अंदर। इसलिए हम डायरेक्ट जान सकते हैं कि फोर्स को ही मैं कॉज ऑफ मोशन बोलता हूं, कि फोर्स क्या है, फोर्स ही है ये मोशन आने का कारण। कैसे है वो हम अभी समझ लेंगे, बट अभी आप यही जान लीजिए कि हम फोर्स को क्या बोल सकते हैं, कॉज ऑफ मोशन। और साथ ही साथ मैं एक और नाम बता दूं, जब भी हम फोर्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो हम उसे डायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या डायनामिक्स, जब हम मोशन के ऊपर स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं काइनेमेटिक्स। मोशन क्या था तो काइनेमेटिक्स, मोशन के पीछे का रीजन क्या था, कारण क्या था, दैट इज डायनामिक्स। तो हम डायनामिक्स क्या है, इन डायनामिक्स हम स्टडी करते हैं ऑन द फोर्स। ओके बच्चों, तो मेरे पास हम या तो फोर्स बोल रहे या तो कॉज ऑफ मोशन बोल रहे या डायनामिक्स बोल रहे, बात बराबर ही है। ओके बच्चों, ये मैंने आपको क्यों बताया तीन नाम, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है हमारी अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्मोलॉजीज दी होती हैं, जिसके बिहाफ पर लोग न्यूमेरिकल्स मिलते हैं और हमें आते हुए न्यूमेरिकल भी गलत हो जाते हैं या छूट जाते हैं, क्योंकि हमें फोर्स तो पता था बट फोर्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उस समय डायनामिक्स भी बोलते हैं, ये नहीं पता था। डायनामिक्स नाम का वर्ड आ गया, आप डर गए और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया या फिर गलत कर दिया। बच्चों, तो हमें ये तीनों नाम पता होने चाहिए, मतलब जो भी टर्मोलॉजीज है वो पता होनी चाहिए कि उसे कैसे कैसे डिफाइन या कैसे कैसे बोल सकते हैं, जिसके कारण मेरे जो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं या फिर छूट जाते हैं वो ना हो। ओके बच्चों, चलिए ये तो बात रही इसकी, अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे हम किस नाम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायनेमिक्स बोल लीजिए या कॉज ऑफ मोशन बोल लीजिए या फिर फोर्स बोल लीजिए, बात बराबर ही है, तीनों का मीनिंग मेरे पास एक ही है। ओके बच्चों, अब आते हैं अपने चैप्टर पे। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स है क्या चीज, पहले हम समझेंगे बाद में हम इसे प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। ओके बच्चों, चलिए समझते हैं क्या है फोर्स। एक्चुअल में फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है या एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से मैं कभी भी किसी बॉडी को, अब बॉडी रुकी हुई है तो उसे मैं चला सकता हूं, अब बॉडी चल रही है तो उसे मैं रोक सकता हूं, अब बॉडी चल रही है अपनी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं या स्पीड को कम भी कर सकता हूं। देन मैं किसी चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, इट मीन अब बॉडी कोई इस डायरेक्शन में चल रही है तो मैं अब फोर्स लगाऊं या वो एक्सटर्नल एफर्ट करूं तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट से आप वेस्ट में लेके जा सकते हैं, नॉर्थ में लेके जा सकते हैं, जैसा आप चाहें डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देन किसी बॉडी की डायमेंशन चेंज करनी हो, इट मीन साइज और शेप चेंज करना हो, तो अभी आप वो फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। देन बच्चों, या फिर आप ये सारे काम कर सकते हैं या ये सारे काम को करने की कोशिश भी करेंगे तो अभी हम बोलेंगे कि हमने फोर्स लगाया, हमने वो एक्सटर्नल एफर्ट लगाया। जैसे कि मेरे पास एक 5 kg का ब्लॉक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास एक 5 kg का ब्लॉक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में इस पे एक एफर्ट लगाता हूं, इट मीन वो एफर्ट का नाम फोर्स ही है, अब मैं एफर्ट लगाता हूं इस ब्लॉक पे इस तरफ, वेट कितना है 5 kg, देन तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मेरे पास आगे चला जाएगा, अभी तो वो था रेस्ट में, अब यहां से यहां जाएगा तो मतलब कुछ ना कुछ उसके पास स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी मेरे पास। इट मीन क्या होगा, बॉडी जब रेस्ट में थी, रेस्ट से मोशन में लेके आया, पीछे का रीजन क्या, ये एक्सटर्नल एफर्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं फोर्स। ओके बच्चों, फोर्स क्या है, एक्शन एफर्ट जो रुकी हुई बॉडी को चला दे, या फिर अगर ये वेट है तो ये आपका बॉक्स था 5 kg का, अब ये बॉक्स होता मेरे पास 500 kg का, 500 kg, तब भी मैं उतना ही फोर्स लगा जितना, उतना ही एफर्ट लगा था जितना मैंने यहां लगाया है, तो क्या आप ये ब्लॉक शिफ्ट हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी है, बट मैंने लगाया सही एफर्ट तो किया मैंने इस पर, तो हम क्या बोल सकते हैं, या तो वो इसे चेंज कर दे, जीरो थी, जीरो से मेरे पास कुछ स्पीड आ गई, मतलब क्या रुकी बॉडी को चला दिया, या फिर चलाने की कोशिश कर दे, दोनों के पीछे मतलब क्या है, ये भी क्या है मेरे पास फोर्स,
फोर्स क्या होता है, फोर्स जो एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एजेंट है जो या तो ग्रुप की बॉडी को चला दे या फिर चलाने की कोशिश करे, बोलते हैं फोर्स। या फिर बॉडी चल रही थी उसे रोके, मतलब मैंने पुश किया इसे, मैंने ब्लॉक को पुश किया तो वो चलना चालू कर दिया, है ना। देन अगर मैं सामने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहता और ये बॉडी चलती हुई आ रही है, मैं इसे रोकने की कोशिश करता यहाँ पे, तो क्या करता मैं, करता इसे रोकने की कोशिश और ये रुक जाती तो अभी मैंने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एफर्ट किया। अगर रुक नहीं पाती तो भी मैंने एफर्ट तो किया ही ना, बॉडी रुक नहीं पाई क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, मैंने फोर्स लगाया वो कम पड़ गया मेरे पास। देन हम क्या बोल सकते हैं, या तो चलती बॉडी को रोक दे या फिर रोकने की कोशिश करे, इट मीन वो क्या है मेरे पास, मैंने एक्सटर्नल एफर्ट किया, उसी एफर्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। ओके बच्चों, आई थिंक आपको आइडिया समझ में आ चुका है हमने क्या किया। हमने क्या किया, या तो पुश किया, हम इसे शिफ्ट करने के लिए दो तरीके रखते हैं, या फिर पुश कर ले या फिर हम इसे यहां से रस्सी बांधी और हम इसे अब खींच के लेके जा रहे हैं, है ना, हम इसे खींच के लेके जा रहे हैं, या फिर पुल कर रहे हैं। तो पुश करेंगे तो अभी ये ब्लॉक शायद मूव कर जाए, अब पुल करेंगे तो अभी शायद ये ब्लॉक मूव कर जाए, इट मीन्स मेरे पास क्या हुआ, पुश या पुल करने से मेरे पास बॉडी जो रेस्ट में थी शायद मोशन में आ जाती शायद, और नहीं भी आती तो मैंने एफर्ट तो लगाया था, फोर्स तो मैंने अप्लाई किया ही था। ओके बच्चों, तो मैं समझा कि अभी हमने क्या, रेस्ट से मोशन में लेके आया और मोशन से रेस्ट में लेके आ सकते हैं। ऐसे ही हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक आपका ब्लॉक इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, आगे कर लेके जा रहा है कोई बंदा, पुश करते हुए लेके जा रहा है ना, साइड से एक बंदा आया उसे इस तरफ पुश किया तो क्या हुआ ब्लॉक, जैसे कि एक इस ब्लॉक को एक बंदा पुश कर रहा है इस तरफ, देन ऐसे ही अब नीचे से बंदा आया उसे इस तरफ पुश करना चालू कर दिया तो क्या हुआ, ये ब्लॉक इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो हमने क्या किया, जा रहा था इस तरफ, अब पहुंच गया क्या इस तरफ, इट मीन्स की डायरेक्शन चेंज हो गई मेरे पास। वो भी कब हुई, जब मैंने एक्सटर्नल एफर्ट किया, इट मीन्स फोर्स लगाया, तो मेरे पास फोर्स करता है या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लिया या मोशन से रेस्ट में लिया है, या इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे तो भी क्या है, वो फोर्स ही है ना मेरे पास। अगर ये एफर्ट्स नहीं लगता तो क्या ये शिफ्ट हो पाता आगे की तरफ, नहीं हो पाता, ये ब्लॉक सीधे आगे की तरफ यहाँ पे आ जाता मेरे पास। डन, अब मैंने जो लगाया है एक्स्ट्रा एफर्ट तभी तो ब्लॉक इस तरफ गया है मेरे पास। डन बच्चों, तो वही है मेरे पास क्या, फोर्स। फोर्स को ऐसे समझ सकते हैं, अभी हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर्ली, आप समझिए एक्चुअल में है क्या चीज फोर्स। डन, चलिए देन एक बार एग्जांपल समझते हैं। आपने देखी होगी एक स्पंजी बॉल आती है ना स्माइली शेप में, अगर उसे प्रेस करें तो वो इजिली सॉफ्ट होती है, दब जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ एफर्ट किया और वो ब्लॉक आपकी बॉल का साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई मेरे पास। डन, तो मतलब क्या किया मैंने कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके बॉल का साइज शेप चेंज कर पा रहा हूँ, इट मीन उसकी डायमेंशन चेंज कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने एफर्ट किया। वो क्या है मेरे पास, वही एफर्ट को हम फोर्स बोलते हैं। देन मतलब मैंने फोर्स लगाया तभी तो बॉडी का आपकी जो बॉल है उसका साइज चेंज हुआ या इसकी बोल सकते डायमेंशन चेंज हुई। देन अब जो स्माइली बॉल थी उसे रिप्लेस कर देते हैं बाय द कॉर्क बॉल, या बोल सकते हैं आपकी लेदर की बॉल। लेदर की बॉल को मैं प्रेस करूंगा तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, बट कोशिश तो मैं करूंगा ना, एफर्ट तो मैं लगाऊंगा ना, तो वो एफर्ट्स भी क्या है, फोर्स ही है। ओके बच्चों, तो हम फोर्स क्या बोलते हैं, या तो मैं डायमेंशन चेंज कर दूं या मैं डायमेंशन चेंज करने की कोशिश कर सकता हूं। ओके, जैसे हमने देखा ब्लॉक वाला, ब्लॉक तो शिफ्ट हो गया था, अगर ये बड़ी सी बॉल है, अगर मैं पुश करके इसे पीछे तक शिफ्ट करना चाहूं तो क्या शिफ्ट होगी, नहीं होने वाली, बट मैं एफर्ट तो कर रहा हूं ना, मैं फोर्स तो लगा ही रहा हूं ना, तो बस यही क्या मेरे पास, वो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एफर्ट जो मैं लगाता हूं किसी बॉडी पे, किसी ब्लॉक पे, क्या करने के लिए, उसके मोशन को चेंज करने के लिए, उसी एफर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। देन उसके मोशन को चेंज करने के लिए या उसके डायमेंशन को चेंज करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स। जिस कारण मेरे पास डायमेंशन या तो चेंज हो जाती है या फिर नहीं हो पाती, नहीं हो पाएगी तब भी मैंने एफर्ट तो किया ही था, तब भी मैंने फोर्स अप्लाई किया ही था, चेंज हो गई तो हमें वो फील हो जाएगा, हमें दिख जाएगा। देन इसलिए हम बोल सकते हैं फोर्स को मैं इसके फोर्स के एफर्ट को, फोर्स में जो इफेक्ट है उसे मैं फील करता हूँ, देख सकता हूँ कि यार इसमें चेंजेस आए। देन मैं उस फोर्स को नहीं देख पाऊंगी, फोर्स कहाँ है, कैसा है, कैसी शक्ल है फोर्स की, बट उसके फील, उसके जो इफेक्ट है, उसका उसके थ्रू जो इफेक्ट आया है, बॉडी का मोशन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, उस इफेक्ट को मैं देख लूंगा। देन बच्चों चलिए, तो ये भी मेरे पास बात, एक्चुअल फोर्स है क्या चीज, तो हम बोल सकते हैं फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एफर्ट है, जिसकी हेल्प से मैं आपकी बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता हूँ या चेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ, बॉडी के डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ या चेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ। डन, और याद रखना बच्चों, जब कभी भी मेरे पास फोर्स आएगा तो वो केवल हमेशा दो ही शक्ल में आएगा, या तो पुश या फिर पुल, या फिर मैं किसी ब्लॉक को पुश कर रहा हूँ या फिर किसी ब्लॉक को पुल कर रहा हूँ, तो पुश और पुल की फॉर्म में हमेशा क्या आएगा मेरे पास, फोर्स। इसके अलावा तीसरे किसी फॉर्म में मेरे पास फोर्स नहीं आने वाला। देन या तो क्या कर रहा होगा, वो पुश कर रहा होगा या फिर पुल कर रहा होगा। जैसे मैंने देखा एक ब्लॉक को मैंने क्या किया, पुश किया तो अभी फोर्स लगाया मैंने, अब यहां से पुल कर रहा हूं मतलब, तो अभी मेरे पास क्या है, पुल करने से ही ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है,
इट मींस यहां मैंने फोर्स लगाया, जब मेरे पास बॉल थी, बॉल को मैंने पुश किया था तभी डायमेंशन चेंज हुई थी। अब मैं चाहता था बॉल को खींच सकता था, मतलब कि पुल कर सकता था, पुल करता तो भी मेरे पास डायमेंशन चेंज हो जाती। इट मींस क्या होगा मेरे पास कि फोर्स हमेशा दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो पुश फॉर्म में या फिर पुल फॉर्म में, इसके अलावा कभी भी किसी और फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब फोर्स लग रहा है मतलब कि वहां पर डेफिनेटली पुश और पुलिंग, पुशिंग और पुलिंग चल रही होगी मेरे पास। देन विदाउट पुशिंग और पुलिंग मेरे पास मैं बोल सकते हैं वहां फोर्स लगा, वो कोई बोलता है कि ये ब्लॉक है, इस पर ना पुशिंग हो रही है ना पुलिंग हो रही है, बताइए क्या फोर्स लगेगा? तो बोलेंगे डेफिनेटली फोर्स नहीं लगना होगा, या तो पुश हो रहा होगा या फिर पुलिंग, मतलब या तो खींच रहा होगा कोई से, या फिर उसे कोई कोई दबाने की कोशिश कर रहा होगा या पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी इसमें कोई फोर्स फील हो रहा होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं। देन बच्चों ये रहा छोटा सा एक आइडिया एक्चुअली फोर्स है क्या चीज। अब हम कहते हैं, अब हम इसे क्या करते हैं प्रॉपरली डिफाइन कि हमें डेफिनेशन वाइज आएगा तो हम कैसे इसे लिखेंगे। देन बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम बात करते हैं डेफिनेशन फोर्स का, एक आइडिया कि फोर्स होता क्या है, और हम देखते हैं इसे हम प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे। जब हमें एग्जाम में बोला जाएगा डिफाइन द फोर्स तो हमें क्या लिखेंगे नंबर मिल जाए, है ना। हम कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सच चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब क्या कि वो मुझे एफर्ट्स है रिक्वायर्ड जो कोई भी चेंज लेके आने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में, उस एफर्ट को क्या बोलते हैं फोर्स। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सच चेंजेस इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को भी स्टेट में कुछ भी चेंज चाहिए, इट मींस इज कॉल्ड अ फोर्स। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट है जो मेरे पास, वही मेरे पास फोर्स का काम करता है। ओके या देखिए फोर्स को डिफाइन करने के तरीके अलग अलग है, बहुत सारे तरीके हैं, मैंने यहाँ पे एक और दो तरीके दिखाए, आप तो मैंने जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं क्या, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच कैन चेंज और ट्राई टू बी चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इट मींस फोर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट है जो या तो चेंज कर दे या फिर चेंज करने की कोशिश करे, हम क्या बोल सकते हैं वही एक्स्ट्रा एफर्ट क्या मेरे पास फोर्स। ओके बच्चों आप इस तरीके से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। और याद रखना बच्चों जब कभी भी हमारे पास फोर्स लगेगा, हम बोलेंगे फोर्स लग रहा है, तो हमेशा वो दो ही शक्लों में लगेगा, या तो पुश की फॉर्म में या फिर पुल की फॉर्म में। तो हमने लिखा है इसके लिए एनी काइंड ऑफ फोर्स इज जस्ट अ पुश और अ पुल, मतलब कोई भी फोर्स होगा या तो वो पुशिंग कर रहा होगा या फिर पुलिंग कर रहा होगा। ओके बच्चों तो मेरे पास ये है डिफाइन, आपकी फोर्स को डिफाइन करना हो आप ऐसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और भी कुछ जानते हैं फोर्स के बारे में आप इसे नोट कीजिए जरा, मैं ऊपर से रख कर रहा हूं उसे, है ना। फोर्स है क्या चीज एक्चुअल में, फोर्स वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, दैट इज फोर्स। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मैं देख तो नहीं सकता बट उसके किए गए काम को फील कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब फोर्स लग रहा होगा। आई वॉज बच्चों चलिए मतलब इसकी प्रेजेंट को मैं फील कर सकता हूँ बट मैं फोर्स को देख सकता, फोर्स की शक्ल कैसी है मैं देख नहीं सकता बट फोर्स की प्रेजेंट को मैं फील कर सकता हूँ बाय द इसके एफर्ट्स, पुशिंग या पुलिंग हो रही होगी मतलब फोर्स हो रहा होगा मेरे पास, लग रहा होगा। ओके चलिए तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास जो कैसी है, मैं पता था फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, या तो स्केलर या फिर वेक्टर। तो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास फोर्स, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। देन तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास जिसकी यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट भी होगी इसकी, तो यूनिट क्या होती है मेरे पास फोर्स की, हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है मेरे पास न्यूटन, क्या होती है न्यूटन, क्योंकि फोर्स के बारे में वो एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, तो साइंटिस्ट उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट दे दी है, दैट इज न्यूटन। क्या लिखेंगे न्यूटन, सिंबलाइज करेंगे तो कैपिटल एन से। बच्चों यूनिट लिखने का भी एक तरीका होता है, जब कभी मैं पूरा नाम यूज कर रहा हूंगा तो नाम की शुरुआत लेटर्स है वो मेरे पास स्मॉल लेटर से ही शुरू करूंगा, बट अगर मैं सिंबल यूज कर रहा हूंगा तो हमेशा कैपिटल लेटर लगाता हूँ। ओके बच्चों तो नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से और शुरू आप सिंबल करेंगे तो कैपिटल लेटर से, इसी प्रकार से लिखते हैं यूनिट्स। ओके तो यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन, और भी अदर यूनिट्स होती है उनके बारे में हम जानेंगे जब न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे। इसका एक फोर्स के मैग्नीट्यूड का निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, उस फॉर्मूले के बारे में भी हम जानकारी लेंगे बट अभी नहीं, जब हम न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे तब उनके बारे में जानकारी लेंगे। ओके बच्चों तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी है मेरे पास फोर्स का, कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे वो हम कुछ देर बाद जानेंगे। ओके चलिए तो हम जान लेते हैं फोर्स की क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज आप जानते हो क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है और जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। ओके बच्चों तो फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंड करती है वो हम बात करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक डोर है ना, डोर अंदर की तरफ खुलता है। ओके
जैसे मेरे को बोल दिया गया कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो गेट खुल जाएगा, डोर खुल जाएगा, डन। तो हमने क्या फोर्स लगा रहे, हमें नहीं पता कि डोर अंदर तक खुलता है, हम उसे पुश किए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं, है ना। उन्होंने हमें बताया नहीं कि पुश करना है पुल करना है, बस उन्होंने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ और गेट आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं अगर फोर्स लगाया जा रहा हूँ 5 न्यूटन का तो क्या गेट खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। आप 5 नहीं आप 50 लगा लो इस डायरेक्शन में तब भी गेट नहीं खुलने वाला, क्यों? क्या मिसिंग है इसमें? उन्होंने बताया नहीं कि आपको 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है अंदर की तरफ। अगर बताते कि अंदर तरफ लगाना मेरे पास फोर्स, तो 5 न्यूटन के फोर्स से ही मेरे पास गेट खुल जाता। इट मींस अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताता तो मेरे पास फोर्स के जो फोर्स लगाना है वो किस डायरेक्शन में वो पता नहीं चल पाता और मेरा काम नहीं हो पाता। इट मींस क्या हुआ, मेरे पास जो फोर्स टर्मिंग क्वांटिटी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। हम डायरेक्शन नहीं बताते तो उसका फुल मीनिंग मेरे समझ में नहीं आ पाता और मेरा काम नहीं हो पाता। ओके बच्चों, तुमने क्या देखा, मैंने जब फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई तो मैं गेट कभी खुल ही नहीं पाया। तो हमें डायरेक्शन बताना भी इंपॉर्टेंट है, इट मींस मेरा फोर्स डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ओके बच्चों, तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। डन। चलिए, तो ऐसी फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इसकी यूनिट होती है पास एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसकी सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं, सीजीएस। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है पास? सीजीएस यूनिट है फोर्स की, उसे हम लिखते हैं डाइन, क्या लिखते हैं? डी वाई एम ई, डाइन बोलते हैं इसे। डन बच्चों, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज डाइन। इसकी वैल्यू कितनी होती है कंपेयर टू इसके, हम उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 न्यूटन जो मेरे पास फोर्स है, एन यू न्यूटन फोर्स इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? 10^5 डाइन के। ये दोनों में होता है रिलेशन, कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन बताना हो तो आपसे बोलेगा बताओ कि एक एसआई यूनिट बराबर कितने सीजीएस यूनिट फोर्स की, तो आप बोलोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। ओके बच्चों, सीजीएस यूनिट में छोटी होती है 10^5 डाइन। ओके चलिए, तो ये होता है इनमें रिलेशन। देन अभी हमने बात की थी कि जो मेरा फोर्स है वो क्या होता है, वो या तो बॉडी की स्टेट में चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। तो जब उसने कोशिश करी तो चेंज हुआ क्यों नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। ये कैसे हुआ कि मैं फोर्स लगाया लेकिन चेंजेस नहीं आए, क्यों नहीं आए चेंजेस, जब बात करते हैं उसके बारे में। उसे हम समझने के लिए हम ये समझेंगे कि मेरे पास टाइप ऑफ फोर्स, मेरे पास एक्चुअल में 2 टाइप के फोर्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। डन बच्चों, चलो देखते हैं कौन कौन से। इसे मैं रखता हूं, आप नोट कर लीजिएगा ना। मैं फोर्स को डिफाइन करता हूं, फोर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक कौन सा आपका, एक है आपका बैलेंस फोर्स बच्चों, बैलेंस फोर्स। दूसरा है आपका बच्चों अनबैलेंस फोर्स। ये आपका बैलेंस फोर्स और ये आपका अनबैलेंस फोर्स। 2 पार्ट में मैं फोर्स को डिवाइड कर सकता हूं। बैलेंस फोर्स होता है मेरे पास, जैसे समझेंगे डायग्राम की हेल्प से, जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है। ओके, इस पे मैंने यहां से एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, देन यहां से मैंने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो क्या होगा, क्या ब्लॉक का भी शिफ्ट होगा? नहीं होगा। इट मीन मेरे पास क्या हुआ, यहां से भी 5 न्यूटन लग रहा है और यहां से मेरे पास क्या लग रहा है, 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0। तो हम देखेंगे एफ नेट, नेट फोर्स। हम पहले बात कर चुके हैं जब भी कभी वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम निकालते हैं नेट फोर्स, और जब स्केलर का निकालते हैं तो निकालते हैं टोटल। तो एफ नेट मतलब टोटल आपका नेट फोर्स कितना होगा ऑन दिस ब्लॉक, आप बोलेंगे ब्लॉक ए पर नेट फोर्स होगा कितना, 0 न्यूटन का। कितना होगा बस, 0 न्यूटन का, क्योंकि देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन है मेरे पास अपोजिट। इट मीन ये ऐसे कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास क्या आया समझ में कि नेट फोर्स क्या है इसका, 0। तो अब फोर्स तो लग रहा है बट नेट फोर्स कितना है, 0। तो क्या आया चेंजेस, ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं बट ब्लॉक शायद दब जाएगा, पिटक जाएगा, है ना। अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो दब जाएगा, अगर बहुत हार्ड हुआ तो शायद दबे भी ना। आई वॉज नॉट श्योर, मतलब कि अगर फ्लेक्सिबल हुआ इट मीन क्या हुआ, मेरे पास स्टेट चेंज हो गई, और हार्ड हुआ तो स्टेट चेंज नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने एफर्ट्स तो लगा रहा हूं लगातार, फोर्स तो लग रहा है इस पे। देन हम बोलेंगे फोर्स तो लग रहा है, इंडिविजुअल फोर्स तो है बट नेट फोर्स कितना है इस पे, 0। तो हम बोल सकते हैं जब कभी भी नेट फोर्स 0 होता है तो हम बोलते हैं इसे बैलेंस फोर्स कंडीशन, क्या बोलते हैं,
बैलेंस फोर्स कंडीशन। जब मेरे पास नेट फोर्स ऑन अ ब्लॉक जीरो होगा, इट मींस रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास जीरो होगा, तब बोलेंगे क्या आपका ये आपकी बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस फोर्स है। ओके बच्चों, और हमेशा रखना जब बैलेंस फोर्स होता है वो कभी भी बॉडी को मूव नहीं करा सकता। बैलेंस फोर्स बॉडी की शेप और साइज में चेंजेस, इट मींस डायमेंशन में चेंज लेके आ सकता है, बस बॉडी को मूव नहीं करा सकता। ओके बच्चों, हम बोलेंगे नेट फोर्स के थ्रू क्या होता है, बस आपका शेप या आपका एंड साइज साइज चेंज होता है, पास चेंज होता है। बोलेंगे कि मेरे पास जो बैलेंस फोर्स है वो शेप और साइज में चेंज लेके आ सकता है, बॉडी को मूव नहीं करा सकता, मूवमेंट नहीं आ रहा मेरे पास। डन बच्चों, देन अब बात करते हैं ऐसी अनबैलेंस फोर्स को, इसी को समझते हैं। ये क्या है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक था, अब मैंने यहां से फोर्स लगाया कितना 5 न्यूटन का, और यहां से मैंने ब्लॉक लगाया फोर्स आपका 6 न्यूटन का। अब क्या होगा, इस तरफ का फोर्स कम है, इस तरफ का फोर्स ज्यादा है, इट मींस यहां का फोर्स ज्यादा लगेगा तो ब्लॉक इस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, यहां मूव करेगा तो ब्लॉक का डायरेक्शन क्या होगा, मूवमेंट इस तरफ होने वाला होगा। डन, और अब इस तरफ नेट, इस वक्त नेट फोर्स कितना होगा, जब निकालेंगे नेट फोर्स एफ नेट, नेट फोर्स निकालेंगे हम बोलेंगे एफ रिजल्टेंट फोर्स। कैसे निकालते हैं अभी मैं बताऊंगा उसके बाद आपको कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं या फिर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी हम जनरली समझते हैं थोड़ा आइडिया लेके, जैसे कि जो दोनों डायरेक्शन कैसे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है मेरे पास, अब क्या बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, इट मीन ये फोर्स ज्यादा है, तो इस कारण मेरे पास क्या होगा, ये ब्लॉक इस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा और नेट फोर्स कितना होगा इस पर, ये 6 से 5 मतलब कि 1 न्यूटन का। हम बोलेंगे इस ब्लॉक बी पर, ब्लॉक बी पर नेट फोर्स कितना है 1 न्यूटन है, जिस कारण ब्लॉक मेरे पास मूव हो रहा है आपकी इस डायरेक्शन में, आप इस तरफ बोलते हैं आपका इस वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में आपका इस तरफ मूव हो रहा है। डर बच्चों, हम क्या बोल सकते हैं कि जो अनबैलेंस फोर्स है उसके, अब देखिए अब जो मूव करेगा तो शायद और शेप में तो चेंज आने वाला है नहीं, बट मूवमेंट आ जाएगा, तो हम बोलेंगे बॉडी का मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा जिम्मेदार, आपका अनबैलेंस फोर्स। अब बॉडी मूव कर रही है मतलब कि उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, अब बॉडी मूव नहीं कर रही है मेरे पास जैसी कंडीशन में थी वैसी, पर मूवमेंट मतलब आपकी मूवमेंट, आपकी मूवमेंट में चेंज ना हो रहा हो, अगर चेंज हो रहा है तो अनबैलेंस फोर्स, और चेंज नहीं हो रहा है तो मेरा आपका बैलेंस फोर्स, इट मीन अब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी हुई तो बैलेंस फोर्स भी लग सकता है उस पर। अब बॉडी मूव कर रही है तो मूव कर रही है, जितनी स्पीड से मूव कर रही है उतनी ही स्पीड से मूव कर रही है लगातार, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तब भी मेरे पास बैलेंस फोर्स लग रहा होगा। क्यों, बैलेंस फोर्स क्या लगता है, आपके इमोशन को चेंज नहीं करता, जैसा था वैसा ही बनाए रखता है वो हमारा बैलेंस फोर्स, वो ज्यादा ज्यादा क्या करता है आपका शेप में चेंज करता है, साइज में चेंज कर सकता है मेरे पास। डन, और अनबैलेंस फोर्स क्या करता है मेरे पास, ये आपके बॉडी के मूवमेंट में आने वाले चेंज के लिए जिम्मेदार होता है, कि चेंज कितना आया, बॉडी पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, अब उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई या कम हो गई, तो वो चेंजेस क्यों आए, अनबैलेंस फोर्स के कारण, है ना। अब बॉडी में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड लगातार चल रही है और अब भी लगातार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती जा रही है, बट अब वो थोड़ी दब गई है मेरे पास, तो वो साइज और शेप में चेंज आया मतलब क्यों, बैलेंस फोर्स के कारण, लेकिन अभी मोशन में चेंज नहीं आया। डन बच्चों, हम बोल सकते हैं जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा इट मींस आपका आपका बैलेंस फोर्स काम कर रहा होगा, और जहां मेरे पास नेट फोर्स जीरो नहीं होगा वो अनबैलेंस फोर्स के थ्रू मतलब आप अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा होगा। डन बच्चों, यहाँ मेरे पास अनबैलेंस फोर्स है वो भी कितना मेरे पास 1 न्यूटन का अनबैलेंस फोर्स मेरे पास। डन, चलिए तो ये बात नहीं मेरे पास, जब भी मैं फोर्स को डिफाइन करूंगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के फॉर्म में डिफाइन करूंगा, अभी हम इस पर डिफाइन भी लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, बट अभी हमने समझा आइडिया लिया कि हम कैसे कैसे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझ सकते हैं, डिफाइन तो हम कर ही लेंगे उसके बाद। ओके बच्चों, चलिए मैं आप सिर्फ कीजिए, मैं एक और चीज बता रहा हूं जो आपके फोर्स वाले चैप्टर से संबंधित भी है और आपकी जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनके लिए ऑपरेटेबल है मेरे पास, है ना, आप इसे नोट कीजिए। अच्छा, अभी मैंने बात की थी आपकी बैलेंस फोर्स की और अनबैलेंस फोर्स की, है ना, देन उन्होंने हमने बोला कि रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ तब वो बैलेंस कंडीशन, और रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास जीरो नहीं हुआ तो मतलब वो अनबैलेंस कंडीशन। बट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कैसे, या हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। डन बच्चों, चलिए अब हम फाइनल वाले हैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, है ना, याद ना, फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, अब वेक्टर क्वांटिटीज कोई भी होंगी हमें पता है, वेक्टर क्वांटिटीज दो या दूसरा क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के तरीके अलग होते हैं, उनके लिए फॉर्मूला जैसे मैं बोला जैसे कि 5 + 3 आंसर क्या आएगा आपका 8 आएगा, अब बोलूं
थ्री प्लस फाइव तो आंसर क्या आएगा, एट आएगा। मतलब क्या, ये नंबर थे, स्केल क्वांटिटीज थी, इन्हें मैं कैसे भी ऐड कर सकता हूँ, कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऐसे एडिशन नहीं होता, उनके लिए अलग से लॉज होते हैं, जैसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। डन, उसकी बात करने वाला हूं मैं आपसे। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली ऐसे करके ऐड नहीं कर सकते, उन्हें ये ऐड करने का तरीका अलग होता है। वो क्या तरीका है जब बात करते हैं, जैसे मैं रख कर रहा हूं ना बच्चों, क्या तरीका है, जब कभी भी मुझे वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो उसके लिए मेरे पास दो लॉ है, एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और एक आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। डन, कौन कौन से, एक है आपका ट्रायंगल लॉ और एक आपका पैरेललोग्राम लॉ। कैसे तरीका है याद रखना, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, पहले ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं, पहले हम करेंगे उसका आपका ग्राफिकल, आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम ज्योमेट्रिकली इसे ऐड करेंगे। डन, चलिए तो हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ कि मेरे पास दो वेक्टर है, मैंने बोला वेक्टर ए और वेक्टर बी को मुझे जोड़ना है, जोड़िए बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। वेक्टर ए की डायरेक्शन कैसी है मेरे पास, इस तरफ है, वेक्टर बी है मेरे पास इस तरफ, यह है वेक्टर ए, यह है मेरे पास वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है मेरे पास, कि जो दो वेक्टर है जिन्हें ऐड करना है तो उन्हें ऐसे अरेंज करो कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल दोनों आपस में मिल जाए। इसे हम बोलते हैं टेल, इसे हम बोलते हैं हेड, इसे टेल और इसे हेड। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये है मेरे पास, इसे बोलेंगे टेल, दैट इज अ टेल, और इसे बोलते हैं आपका हेड, हेड। देन हम क्या बोलते हैं, और दो वेक्टर्स मुझे अगर ऐड करने हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ, हम क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाए। देन तो हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, अब मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके ले जाता हूँ उसके हेड के पास, बोलेंगे ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मेरे पास बी है। डन बच्चों, अब क्या बोलोगे, पहले वेक्टर की आपकी हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिलेगी मेरे पास, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मेरे पास बी है। डन, तो ट्रायंगल क्या बोलता है, अगर मैं दो वेक्टर को ऐसे अरेंज कर लूं कि पहले वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिल जाएगा, तो याद रखना पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, जो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, जिस वेक्टर से जोड़ूंगा वही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, वही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, या मेरे पास नेट बोल सकते हैं हम इसे। ओके बच्चों, तो दैट इज अ आर वेक्टर, जब बोलते हैं आर वेक्टर, दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसकी हेड, जिसकी टेल यहां पर है और हेड इसका यहां पर है। ओके बच्चों, ये है मेरे पास क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलता है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करूं कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाए, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का जो हेड को जोड़ूंगा, तो यही मेरे पास क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, इन दोनों का सम इसी मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जोड़ूंगा मैं, तो ये इस पूरी लेंथ मैग्नीट्यूड के बराबर आने वाला है। इस मैग्नीट्यूड का पता करने के लिए मेरे पास अलग से एक फॉर्मूला है, डायरेक्शन तो इस तरफ होगी होगी मेरे पास, बट अब इस मैग्नीट्यूड को पता करना है, हर बार स्केल तो लगाएंगे नहीं हम, मैग्नीट्यूड के क्या होता है मेरे पास पता, तो मुझे मैग्नीट्यूड पता करना होगा, तो उसके पास अलग से फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है तो आप लिखेंगे, तो मेरे पास फॉर्मूला है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे दिखाते हैं, जब भी वेक्टर के आगे साइड में जो दीवार आया था मीन्स वो, हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे ना कि डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का मेरे पास फॉर्मूला इसका, इसमें थोड़ा रख देता हूं, थोड़ा आगे तक लिख देता हूं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। डन बच्चों, तो हमने क्या देखा, अब मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मेरा फॉर्मूला क्या है कि पहले वेक्टर का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू 2 से मल्टीप्लाई 2ab देन cos थीटा। cos थीटा क्या है मेरे पास, देयर cos थीटा क्या है पास, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बच्चों, तो यहां पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, तो
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम अभी उस पर ही बात करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि मुझे दो वेक्टर्स को जोड़ना हो तो हम उसे डायरेक्टली जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं, वैसे हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। इसके लिए मेरे पास दो लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। अभी हमने बात करी ट्रायंगल लॉ की, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या, मेरे पास दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिल जाए। देन तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ने के बाद जो आएगा वही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन और वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। देन डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही डायरेक्टली ऐसे करके, बट मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेरे पास क्या है, एक फॉर्मूला, फॉर्मूला के पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, होल रूट ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू 2 से मल्टीप्लाई इनटू उनके बीच का एंगल। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देन बच्चों ये मेरे पास फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला मेरे पास केवल फोर्स के लिए नहीं, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है हमारे पास, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज है और उनका मुझे रिजल्टेंट पता करना है और मुझे यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है उनका। तो ओके बच्चों, तो ये क्या है मेरे पास, दैट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ। जो मेरे पास ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है, जो मैंने बोला होता है स्टेटमेंट, ये है उसका फॉर्मूला। देन बच्चों आप इसे नोट कीजिए। देन अब हम बात करते हैं क्या, कि मैंने बोला कि कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एंगल। ओके आप इसे नोट कीजिए, मैं रख रहा हूं। अब हम फाइंड करने वाले हैं बच्चों किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे कि कर्व कैसे फाइंड करेंगे, बस ये फाइंड करने के पास तीन कंडीशन आने वाली है। कौन कौन सी कंडीशन, जैसे कि पहली, मेरे पास दो वेक्टर दिए होंगे, है ना, दोनों में हेड होंगे दोनों में टेल होंगे। पहली कंडीशन है मेरे पास जब मेरे पास टेल और आपका मीटिंग पॉइंट आपका टेल हेड मिला होगा, मेरे पास टेल और हेड मिल रहा होगा। दूसरी कंडीशन होगी मेरे पास हेड और हेड मिल रहे होंगे। तीसरी कंडीशन होगी मेरे पास आपकी टेल और टेल मिल रही होगी। डन, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास तीन कंडीशन है, या तो एक का टेल जैसे कि ये है मेरी पहली कंडीशन, आपका दो वेक्टर एक ये दूसरा वेक्टर ये, यहां पे क्या है मेरे पास एक की टेल और एक का हेड मिल रहा होगा। यहां पे तो इसका हेड मिल रहा है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, हमें ए वेक्टर का हेड मिल रहा है और बी वेक्टर की क्या मिली है टेल। तो ये मेरे पास कौन सा है, आपका फर्स्ट वाली कंडीशन, या तो कंडीशन ऐसी होगी या तो कंडीशन कैसी होगी, दोनों का हेड हेड मिल रहा होगा। इट मीन आपका एक वेक्टर के पास कैसा है, आपका ये है डन, और ये वेक्टर के पास क्या है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं यहां पे, ये वेक्टर आपका ये है और ये वेक्टर क्या मेरे पास ये है। अब देखिए दोनों का हेड मिल रहा है, यहां वेक्टर ए ये रहा और बी मेरे पास ये रहा। ओके तो यहां पे ए का भी हेड मिल रहा है और बी का भी यहां पे हेड मिल रहा है मेरे पास। ओके देन थर्ड कंडीशन क्या होगी, मेरे पास दोनों की टेल से टेल मिल रही होगी। इट मीन क्या होगा, मेरे पास ये वेक्टर ऐसा और ये वेक्टर मेरे पास ऐसा। यहां देखिए ए की ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरे पास बी है, यहां पे ए वेक्टर की भी टेल मिल रही है, बी वेक्टर की भी टेल मिल रही है। देन तो मेरे पास ये तीन कंडीशंस आएंगी जब मुझे एंगल फाइंड करना होगा, या तो ऐसे मिल रहा होगा या फिर ऐसे मिल रहा होगा या फिर ऐसे मिल रहा होगा। डन, और इसमें वो दे देगा और पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कैसे फाइंड करेंगे। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो मेरा जो आंसर आता है, अगर हम बोलते हैं ये एंगल थीटा है, एंगल और थीटा दे दिया, या बोलता आपका थीटा दे दिया या 120 डिग्री दे दिया, 120 डिग्री। डन, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो मेरे को हमेशा 180 में से जो गिविन थीटा है उसे माइनस कर दूंगा, मतलब कि 120 डिग्री, तो आंसर आएगा पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ही क्या होगा मेरे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देन बच्चों तो पहली कंडीशन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हम 180 में से गिविन वेक्टर को, जो गिविन एंगल है उसे माइनस कर देते हैं। डन, तो मेरा जो गिविन एंगल था 120 डिग्री, मैंने क्या किया 180 माइनस 120 बचेगा 60, मेरा आंसर क्या आएगा 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, तो पहली कंडीशन में आपको याद रखना क्या, जब कभी भी एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिल रही हो तो हम क्या करेंगे, 180 में से गिवन एंगल को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो मेरा जो आंसर होगा वही होगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हम समझेंगे, हमने साइंस में हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फोर्स के ऊपर या किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर, तो हमें इस चीज की बहुत हेल्प पड़ेगी। देन बच्चों
चलिए तो ये समझ में आपको, जब मुझे एंगल फाइंड करना हो तो वेक्टर के बीच में कब, जब एक का हेड और दूसरे की टेल मिल रही हो, तो मैं क्या करता हूँ 180 में से जो गिवन एंगल है उसे माइनस कर देता हूँ। अभी एंगल क्या था गिवन, मेरे पास 120, तो मैंने 180 माइनस 120 कर दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा वही होगा इन दोनों ए और बी के बीच का एंगल, दैट इज 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो मतलब 60 डिग्री क्या, जब मैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा था, उसमें जो cos थीटा था वो क्या था, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर ऐसा वाला केस होगा तो उस वक्त जो cos थीटा की वैल्यू होगी वहां मैं रखूंगा मैं आपका 60 डिग्री। डन बच्चों, दिख रहा है 120 डिग्री बट रखूंगा मैं 60 डिग्री। आई बस नहीं बच्चों, तो वही होगा मेरे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई डाउट इस चीज में? चलिए देन अब हम बात करते हैं कैसा कि दूसरा केस आपका हेड और हेड। जब मेरे पास हेड और हेड होगा तो याद रखना जो हेड और हेड है उसके उस वक्त जो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दिया होगा वही उसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। अभी उन्होंने 90 दिया हुआ है तो जो 90 है यही है इसका आंसर। आपका क्या आंसर है कि जो जब मेरा हेड से हेड मिल रहा होगा तो जो गिवन एंगल होगा उनके बीच का वही मेरा आंसर होगा। डन बच्चों, तो इसका एंगल क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री दो वेक्टर के बीच में। सेम ऐसा ही है मेरे पास तीसरा वाला केस, जब मैं टेल से टेल मिली होगी, जब दो वेक्टर्स की टेल से टेल मिल रही होगी तब भी जो बीच वाला एंगल जो गिवन एंगल होगा वही गिवन एंगल मेरे पास आंसर होगा क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इट मींस अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, आर वेक्टर बराबर क्या होता है मेरे पास रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा क्या था वहां पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ऐसा केस है एंगल क्या होगा बीच का 90 डिग्री होने वाला है, या फिर ऐसा केस है तो भी एंगल 90 डिग्री ही होने वाला है। ओके बच्चों, आई बस समझ में, मतलब क्या हुआ जब हेड से हेड मिलेगा या फिर टेल से टेल मिलेगी जो गिवन एंगल उनके बीच का तो वही आगे उनके बीच वाला एंगल गिवन होना चाहिए, और उन्होंने बाहर वाला एंगल दे दिया तो क्या करेंगे, तो हम उल्टा काम कर देंगे 180 में से माइनस कर देंगे, है ना। अभी तो जो इनके बीच का एंगल है यही एंगल फाइंड करना पड़ता है बीच का। समझ बच्चों, चलिए तो जब मेरे पास हेड से हेड मिलेगी या टेल से टेल मिलेगी तो जो गिवन एंगल होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का वही मेरे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बट इन अ केस ऑफ हेड और टेल जो मेरे पास गिवन एंगल होगा इनके बीच का उसमें उसे मैं माइनस कर दूंगा 180 में से, जो मेरा आंसर आएगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, तो ये हमें एंगल दो वेक्टर के एंगल फाइंड कैसे करना समझ में आया। तीन केस होंगे, इसके अलावा ज्यादा केस नहीं होने वाला है मेरे पास। डन, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, देन जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके बच्चों, चलिए अभी हम इसे रख करते हैं ना। तो अभी हमने क्या समझा कि मैं दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करता हूं वो हमें समझ लिया, और हमने अभी एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ समझ लिया। अब हम बात करते हैं हमारे पास कौन सा, सेकंड लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। अभी हम स्टेटमेंट समझते हैं, बस क्या है चेंजेस है अरेंजमेंट में। पहले हमने अरेंजमेंट कैसे किया था, हमने बोला था कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिलेगी तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले की टेल और दूसरे का हेड भी जुड़ने वाला आएगा। ऐसे करके देखता था मेरे पास रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये था मेरे पास ए वेक्टर, ये था मेरे पास बी वेक्टर, ये है मेरे पास ट्रायंगल लॉ। बट पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, वो क्या कहता है दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि ये दोनों ही वेक्टर्स जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के रिप्रेजेंट करें, जैसे कि ये है मेरे पास एडजेसेंट साइड साइड, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। डन, तो दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो, या तो हम बोल सकते हैं कि टेल टू टेल मिल जाएंगी या हेड टू हेड मिल जाए, या फिर जो पैरेललोग्राम है उसकी दोनों जो आसपास वाली साइड होती है एडजेसेंट साइड होती है उन्हें रिप्रेजेंट करें। तो जो इनके बीच में से जाता है वेक्टर, दैट इज अ जो ये आप बोल सकते हैं जो डायगोनल होता है ऑफ पैरेललोग्राम वही रिप्रेजेंट करता है मेरे पास का रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। इतनी अगर मैं कंप्लीट करूं और ऊपर में डायरेक्ट कंप्लीट करूं और ऐसे एस्पेक्ट कंप्लीट करूंगा मैं, अगर थोड़ा आगे गया हूं डन, तो यही होगा मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। इतनी समझते हैं कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करूं कि जो दोनों वेक्टर्स मेरे पास किसी पैरेललोग्राम की एडिशन साइड को रिप्रेजेंट करें तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट शो करेगा। इट मींस इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है उसकी डायरेक्शन क्या है मेरे पास इस तरफ है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि मैं स्केल से मेजरमेंट कर नहीं सकता। डन, तो हम क्या बोलेंगे इसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था सेम वही फॉर्मूला मेरे पास, क्या फॉर्मूला है कि रूट में पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इंटू उनके बीच का एंगल, दैट इज कॉस थीटा।
डन। सेम फॉर्मूला है जो मेरे पास ट्रायंगल के साथ था, सेम यहां भी पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसके लिए? रिजल्टेंट ऑफ दिस आर वेक्टर एंड ऑल्सो रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो फॉर्मूला दोनों जो सेम है, बस ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन तरीका अलग है मेरे पास। डन बच्चों, समझ में आई? चलिए स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करते हैं। क्या है मेरे पास कि दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करें कि ये दोनों वेक्टर्स मेरे पास किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, तब इस पैरेललोग्राम के जो मेवा हुआ होगा डायगोनल, वही रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास का रिजल्टेंट वेक्टर। ओके बच्चों, चलिए तो यही तो मेरे पास दो लॉ जिसकी हेल्प से वेक्टर क्वांटिटीज को एड कर सकता हूं। डन बच्चों, क्या कर सकता हूं? एड। ओके चलिए, तो डायरेक्शन पता करनी तो मैं ऐसे पता कर लूंगा, अब मुझे मैग्नीट्यूड पता करना तो कैसे पता करेंगे? इस फॉर्म से। डन बच्चों, चलिए देन अब मुझे डायरेक्शन को आपका सिंबलाइज मतलब कि ऐसे एरो वाइज बताना करना हो, न्यूमेरिकली पता करना हो, तो हम उसके लिए भी एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला मेरे पास? देखते हैं, ये दोनों के लिए है, ट्रायंगल के लिए भी है, पैरेललोग्राम के लिए भी। अब मुझे डायरेक्शन में ऐसे एरो वाइज भी नहीं दिखाना, मुझे न्यूमेरिकली दिखाना है ना। चलिए तो कैसे बात करते हैं, बात करते हैं। मेरे पास क्या है? टेन अल्फा इक्वल टू साइन ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है मेरे बच्चों, किसका? आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए। जैसे कि अल्फा क्या है, अगर मैं बोला कि ये मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से एंगल बना रहा है अल्फा। क्या बना रहा है मेरे पास आपका? ए से एंगल बना रहा है मेरे पास अल्फा। अब इस वक्त तो बीस ले लिए, मैंने फॉर्मूला लिखा बीस के अकॉर्डिंग लिया मेरे पास ये। बच्चों मैंने बोला कि मेरे पास एंगल अल्फा है वो बी से बना रहा है, तो बी वेक्टर से जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है मेरे पास वेक्टर बी से, तो उसकी डायरेक्शन पता करेंगे कि बी जो आर है वो कहां पर है। तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा मेरे पास? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वो देख लिया। और अल्फा क्या है? एंगल फ्रॉम फ्रॉम अ वेक्टर बी टू अ रिजल्टेंट आर। तो आर वेक्टर जो है मेरे पास वो बी से कितना एंगल बना रहा है जो पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? टेन अल्फा बराबर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। देन बच्चों कोई डाउट इस चीज में? चलिए देन हम बात करते हैं किसके बारे में। ये हो गया आपके हमारे पास वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए तरीका, ये हो गया उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका। देन हमने क्या समझा? हमने समझा आपका दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, दो वेक्टर को जोड़ने के पास ये है फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट, ये है फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन, ये ट्रायंगल के लिए भी एप्लीकेबल है और पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी एप्लीकेबल है। मेरे पास दो लॉस है मेरे पास। देन अब हम बात करते हैं इसके बारे में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। हम दोबारा आते हैं, अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके बेस पर, थोड़ा आपको समझ में आएगा जो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है तो हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, मुझे जो हमने अभी जो पहले हम जब मोशन पढ़े थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा था जहां हमने एंगल फाइंड किए थे, जीरो डिग्री का, थर्टी डिग्री का, फोर्टी फाइव डिग्री का, सिक्सटी डिग्री का, नाइनटी और फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे थोड़े बड़े एंगल भी चाहिए होंगे, 120 डिग्री का एंगल कितना होता है वैल्यू, 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, उन्हें भी फाइंड करना होगा। और मुझे खासकर अभी कॉस थीटा भी आया ना मेरे पास, तो कॉस थीटा की तो वैल्यू पता होनी चाहिए कि 120 कितनी होती है और 180 कितनी होती है। तो हम वो वैल्यूज लिख लेते हैं साइड में जिनका हमको यूज पड़ेगा। वैल्यूज हम फाइंड भी कर सकते हैं, हम कितनी भी बड़ी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे, बट अभी हम बात करते हैं वही जनरल वैल्यू जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पता होना चाहिए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे पास कॉस ही आने वाला है, मेरे पास न्यूमेरिकल्स में है ना, तो कॉस 120 वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, इसे हम लिखेंगे। जो कॉस 60 वैल्यू होती है उसे फिर नेगेटिव साइन लगा देंगे मेरे पास, तो कॉस 60 वैल्यू कितनी मेरे पास? 1/2, माइनस साइन आ गया मेरे पास तो -1/2, ये याद रखिएगा। देन कॉस 180 डिग्री वैल्यू होती है मेरे पास क्या? आपकी -1। बच्चों तो ये चीज रखना, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री वैल्यू होती है मेरे पास -1 और कॉस 120 वैल्यू होती है मेरे पास -1/2, क्योंकि इनका यूज ज्यादा आएगा मेरे पास न्यूमेरिकल्स में है ना। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने देखा अभी हमने पहले भी देखी थी अनबैलेंस फोर्स की और बैलेंस फोर्स की, अब जरा देखते हैं वो तो हमने अपना जनरल आइडिया लेके पता कर लिया, बट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल। हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके बेस पर कैसे निकालेंगे वैल्यू। जैसे मेरे पास ये ब्लॉक था, यहां से मैंने लगाया था क्या फोर्स आपका 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन। सेम फोर्स मैंने लगाया था यहां से, ये भी क्या था मेरे पास 5 न्यूटन। देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स कैसे हैं? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम दोनों को भी निकालना है नेट, मतलब कि रिजल्टेंट निकालना है। आई उसमें बच्चों जब नेट फोर्स मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मुझे फाइंड करना है एफ नेट
या फिर बोलते हैं एफ रिजल्टेंट आर, बात बराबर ही है। तो याद रखो जब कभी भी मुझे एंगल फाइंड करना हो तो मैंने क्या लिखा था कि दो वेक्टर का अब कौन सी दिशा में, दोनों के हेड से हेड मिलना है मेरे पास, अब मैं इस वेक्टर को एस दिखा दूं और इस वेक्टर को एस दिखा दूं, तो ये तो दोनों के हेड से हेड मिल रहे, मैं बोला जब हेड से हेड मिल रहे होंगे जिनका एंगल होगा, अब दोनों एंगल यहां से भी इक्वल है यहां से भी इक्वल है मेरे पास, इक्वल एंगल मेरे पास, मतलब क्या ये एंगल होगा, इसका क्या होगा इनका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये एंगल कितना है मेरे पास 180 डिग्री, ये तो एंगल है मेरे पास, आप यहां से पता कर लीजिए तो भी 180 डिग्री आएगा मेरे पास, ये दोनों क्या है इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, इसे हम बोलते हैं 180 डिग्री का होना। डन बच्चों, चलिए देन तो मेरे पास क्या है, ये कौन सा केस आ गया मेरे पास, एंगल कितना है मेरे पास अपने बीच का cos 180 डिग्री, हम बोल सकते हैं ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, जो कितनी होती है मेरे पास -1। देन बच्चों अब मैं फाइंड करता हूं इनका रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाला था अभी, क्या था आर रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन और टू का मल्टीप्लाई और उनके बीच का आपका एंगल कॉस थीटा। देन अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, अब देखते हैं मेरा आंसर जो एफ आएगा वो जीरो आएगा या नहीं आएगा, है ना, चल देखो क्या है उसका आंसर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, अब मैं ऐसे बोलता हूं ए वेक्टर है मेरे पास, ये है मेरे पास बी वेक्टर, मैं मान लेता हूं जस्ट, ए का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 25, ओके बच्चों, प्लस बी कितना है, बी भी सेम 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर फिर से कितना होगा मेरे पास 25, ओके चलिए, प्लस 2 इनटू ए कितना है 5, बी कितना है 5, ओके बच्चों, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है मेरे पास 180 डिग्री, इट मींस -1 है मेरे पास, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई डाउट इस चीज में बच्चों, तो मैंने क्या देखा कि देखिए तो आपसे सॉल्व करते बताया मेरे पास 25 25 मतलब कितना होगा मेरे पास 50, तो 50 ये था प्लस का साइन, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस करेंगे मेरे पास माइनस हो जाएगा, माइनस 5 5 25 25 2 50 50 माइनस 50 तो आंसर मेरे पास क्या गया आपका जीरो, आंसर मेरे पास 0 न्यूटन। डन बच्चों, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास अब मैंने मैथमेटिकली मेरे पास फॉर्मूला था उसको यूज करता हूं, तो मेरे पास अब जब सॉल्व कर लिया मैंने कि आंसर आया 0 न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका एफ नेट या एफ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, दैट इज 0 न्यूटन, इट मींस ये कौन सी कंडीशन है, बैलेंस या अनबैलेंस, ये आपकी है बैलेंस कंडीशन। अभी तो आप बोले सर हमने इतना सब कुछ किया, वो तो हमने देख के बता दिया था ऐसा कुछ होगा बैलेंस कंडीशन होगी, बट अभी तो सिंपल से फॉर्म है, अगर एंगल जो मेरे पास दोनों फोर्स है वो किसी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लग गए तब प्रॉब्लम आएगी, तो समझना जैसे कि हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा ऑटोमेटिकली कि ये फॉर्मूला कितना यूजफुल है, क्योंकि अभी तो सिंपल सी कंडीशन है आप देख के बता दोगे, बट कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाए, इनका एंगल कुछ दे दिया जाए वेक्टर्स के बीच का, तब प्रॉब्लम हो जाती है। डन बच्चों, चलिए देखते हैं ये समझ में आएगा मेरे पास, ऐसे बात करते हैं किसकी, ये तो बैलेंस कंडीशन थी, ऐसे बात करते हैं अनबैलेंस कंडीशन की, जैसे कि ये कंडीशन मेरे पास कि लॉग था मेरे पास, एक फोर्स यहां से लगा मेरे पास कितना 5 न्यूटन का, देन एक लॉग लगा मेरे पास यहां से कैसे 6 न्यूटन का, देन जैसे आप चाहो तो फॉर्मूला भी सकता है, फॉर्मूला की बात छोड़िए फॉर्मूला डाल दें, तो आज दिन कितना होगा मेरे पास पता करते हैं, ओके बच्चों, तो देखते हैं क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला, ये लगेगा मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना था मेरे पास 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना था मेरे पास 36 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6, अब भी इनके पीछे एंगल कितना है मेरे पास 180 डिग्री, इट मींस -1। डन बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो 25 और 36 कितना हो मेरे पास 5 और 6 11 302 5 और 6 61 हो गए मेरे पास। डन देखिए 6 और 5 11 11 की 1 बची 302 5 और 6 डन 6, अब ये प्लस है माइनस है तो मतलब 61 माइनस कितना हो मेरे पास 5 6 30 32 60, इट मींस 60 बचा मेरे पास, और 60 माइनस 61 माइनस 60 कितना मेरे पास देयर इज 1, रूट में बचा 1 और रूट 1 के लिए लिखते हैं मेरे पास 1 होती है 1 न्यूटन, तो मेरा आंसर क्या आ गया मेरे पास, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स बचा वो कैसा बचा मेरे पास 1 न्यूटन का बचा, इट मींस यहां पे जो मेरे पास एफ नेट वैल्यू है ये कितने है मेरे पास 1 न्यूटन। डन, यही हमने देखा था, ये सिंपल सी कंडीशन है जो हमने देख के बता दिया था, अब हम क्वेश्चन करते हैं जब मुझे साफ साफ दिखाई देगा कि एक्चुअल में कितना आंसर आने वाला है, जिसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तब मेरे पास इस फॉर्मूले का यूज देते हैं, ओके बच्चों,
चलिए देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिसके बेस में बता पाऊंगा कि मैं रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूं। वैसे मैं भी लीनियर फोर्स ले लिया है, अगर वेलोसिटीज भी होंगी ना तो अभी मैं ऐसे निकालूंगा रिजल्टेंट। बच्चों वेलोसिटी होगी तो अभी निकालूंगा, ऐसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले के बेस पे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटी में अगर वेलोसिटी आती है तो अभी डिस्प्लेसमेंट आता है, तो अभी एक्सेलरेशन आता है, तो अभी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। डन, अभी हम बात करें फोर्स के लिए, तो हम फोर्स का एक और न्यूमेरिकल करते हैं उसके बेस पे, है ना। चलिए देखते हैं जरा, हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। क्या मेरे पास न्यूमेरिकल, मैंने बोला मेरे पास अब एक ब्लॉक है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स? एक फोर्स लग रहा है यहां से, है ना, और एक फोर्स लग रहा है इसे यहां से, मतलब कि 5 न्यूटन लगा यहां से और 5 न्यूटन लगा मेरे पास यहां से। ओके बच्चों, ये इसे आगे की तरफ लेके जा रहा है, ये इसे ऊपर से नीचे की तरफ दबा रहा है। ओके, अब बताइए कि ये ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट बताइए। अब आप बताइए आपको क्या लेना है, कितना होगा, 5 ही होगा 0 होगा, कितना होगा आपको बताइए। अब आप ऐसे डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना ही पड़ेगा। जरा देखते हैं कैसे, है ना। मेरा फोन आ जाता आर रिजल्टेंट का, पहले वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 से मल्टीप्लाई। जितनी का फॉर्मुला आप लिखे हुए ना बच्चों, आपको तो जल्दी याद हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, याद रखना बच्चों। जो अभी हम क्लास 9th पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में ये सारा का सारा सेम डिटो ऐसा आपका क्लास 11th में है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसे करने के बाद 11th क्लास की बुक का कोई भी आपका वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन कर लेना, आप इजिली सॉल्व कर लोगे। इट मीन्स क्या हुआ, ये बात कि हम पढ़ तो रहे बड़ी क्लास 9th में, लेकिन हम 11th क्लास के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एट द प्रेजेंट। आई वाज जस्ट समझ में, इट मीन्स जो कौन सा पेपर 9th में है वही पेपर 11th में है, तो हम क्यों ही ना अभी 9th में 11th वाला बात कर लें, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 9th में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और 11th में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो हम 11th में जाके सीखते, तो हम 2 साल पहले ही वो काम कर लेते हैं। आप कोशिश करना 11th की कोई बुक उठाना, उसमें से क्वेश्चन करना, डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इजीली तरीके सॉल्व कर लोगे। ओके बच्चों, तो बस ध्यान दीजिए, और बहुत इजी तरीका है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना। एक फॉर्मूला आपके अंदर वैल्यू पुट कर लिया, गेट द आंसर। चलिए देखते हैं कैसे, जैसे कि अब मेरे को फॉर्म फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर, बात कर लेते हैं कोई भी, चलिए उसका मैग्नीट्यूड। ओके, देन डायरेक्शन पता करेंगे, जैसा पता करते हैं आपके ट्रायंगलों की हेल्प से या फिर पैराग्राम लॉ की हेल्प से। अब मुझे ज्योमेट्रिकली दिखानी है और न्यूमेरिकली दिखानी है, तो ट्रायंगल से पता कर लेते हैं, है ना। चलिए खैर, अगली बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कैसे पता करेंगे हम, जब देखिए एक का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लीजिए ए वेक्टर है और ये है मेरे पास बी वेक्टर। ओके बच्चों, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, 5, मतलब 5 का स्क्वायर। डन, प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, वो भी 5 है, फिर से 5 का स्क्वायर, प्लस 2 × 5 × 5 × cos θ। cos θ कहते हैं पास, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया था, 3 कंडीशन थी, या तो हेड से टेल, या फिर हेड से हेड, या फिर टेल से टेल। ये कौन सी कंडीशन है मेरे पास, यहाँ पे दोनों हेड से हेड मिले, और हेड से हेड जो मिले होंगे वो एंगल कौन सा होता है मेरे पास, दोनों के बीच का मिडिल वाला एंगल होता है, इट मींस 90 दिखाई दे रहा है मुझे। देन बच्चों, ओके, मैंने बोला कि मेरे पास दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे थे, और ये बीच एंगल कितना था, 90 डिग्री था, तो मैंने बोला था जब भी हेड से हेड मिलेंगे तो जो गिवन एंगल होगा इन दोनों के बीच का, वही मेरे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होने वाला है। ओके बच्चों, तो इस वक्त मेरे पास क्या है आपका आंसर, जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा तो कितना होगा मेरे पास, cos 90 डिग्री। ओके बच्चों, और cos 90 वैल्यू क्या होती है वो हम पहले ही पता करके आ चुके हैं, वो आप मेरे को बताना कितनी होती है ना। देन हम वैल्यू पुट करने वाले हैं इस पे, तो क्या है बस 5 का स्क्वायर मतलब 25, प्लस फिर 5 का स्क्वायर मतलब फिर से 25, प्लस 2 × 5 × 5 मतलब क्या हुआ मेरे पास, दैट इज 50, 5 × 5 = 25 × 2 = 50, और cos 90 वैल्यू होती है मेरे पास, दैट इज 0, क्या होती है बस 0। ओके बच्चों, अब 0 जितना है 50 से करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 0 आने वाला है। देन यहां पे क्या है बस 25 × 25 = 50, इट मींस क्या होगा मेरे पास, इसे मैं लिखूंगा यहां पे, तो क्या बचा मेरे पास, क्या बचा मेरे पास 50, तो √50 मेरे पास आया, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 0 हो गई, ये बचा मेरे पास 25 + 25 = 50, तो √50 मेरे पास आंसर आया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आपका 5 √
टू। धन बच्चों तो 5 into 2 क्या मेरे पास दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों तो मेरे पास इस वक्त जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 root 2। ओके बच्चों क्या होगा मैग्नीट्यूड 5 root 2 होगा। डन हम बोलेंगे एफ नेट इज द 5 root 2। डन इस तरीके से मेरे पास जब इजी क्वेश्चन से तो मैंने देख लिया, बट जब मेरे पास एंगल अलग अलग एंगल पे लगेगा, मेरे पास वेक्टर अलग अलग एंगल पे लगा होगा, तब मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। डन चलिए इस पे बेस एक और छोटा सा निकल करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा इसे, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं रख कर रहा हूं। ये हमने क्या निकाल दिया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज 5 root 2 newton। समझो न्यूटन। डन जब भी हम कोई वेक्टर लिखी क्वांटिटी लिखेंगे तो उसकी यूनिट के साथ लिखेंगे, अगर हम पहचान नहीं पाएंगे समझ नहीं पाएंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे लिखेंगे यहां पे एफ नेट इज इक्वल्स टू 5 root 2 newton। धन बच्चों 5 root 2 newton। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और अच्छी तरह आपको क्लियर होगा कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है और हम कैसे यूज करते हैं। डन उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, क्या ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे आप दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहां से लग रहा है इस तरफ से, ये 5 newton का मेरे पास, और एक फोर्स लग रहा है यहां पे इस तरफ से, ये भी मेरे पास 5 newton का है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों के पीछे मेरे पास 120 degree गिवेन है। वो बोला है कि दो वेक्टर्स 120 degree एंगल पे एक्ट कर रहे हैं किसी एक ब्लॉक पे, तो दोनों के मैग्नीट्यूड कितना है पास 5 newton। तो बताइए कि एफ नेट कितना होने वाला है, या फिर बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स कितना होने वाला है पास। धन बच्चों हम जानते हो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उन्होंने पूछा क्या मेरे से कि नेट फोर्स बताओ या फिर रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्या होता है मेरे पास कि ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जैसे कुछ मैग्नीट्यूड में ये मतलब कि ये लाइन कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर लाइन के पीछे है बंद, हम बोलेंगे कि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहां से हमने डायरेक्शन को हटा दिया है, केवल मैग्नीट्यूड जो है उसी की बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल हम, है ना। चलिए इंटू कॉस थीटा, चलिए वैल्यू पुट करता है मेरे पास, ए क्या है मेरे पास, ये मैंने कितना है, मैं बोलूंगा ये ए है और मैंने मान लिया ये क्या है मेरे पास बी। डन ए क्या है मेरे पास 5, तो 5 मैग्नीट्यूड होता है बस 5 का स्क्वायर प्लस फिर से 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 5 ये होने वाला बच्चों। अब बात करते हैं मेन चीज कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या होगी मेरे पास, कॉस थीटा होता क्या मेरे पास, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा मेरे पास, क्वेश्चन में देखा है 120 degree, तो क्या 120 degree होने वाला है, नहीं, क्यों, कि मैंने बोली थी हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड किया था तो हमारे पास 3 conditions थी, एक का हेड से टेल मिल रही हो, या फिर हेड से हेड मिल रहा हो, या फिर टेल से टेल मिल रही हो, तो ये कौन सी कंडीशन मेरे पास, फर्स्ट वाली कंडीशन, जब मेरे पास हेड से टेल मिल रही होगी, तो हमने बोला था जब भी मेरे पास फर्स्ट वाली कंडीशन आएगी, जब एक का हेड दूसरी टेल मिल रही होगी, तो हम क्या करेंगे उसे हम 180 में से गिवन एंगल को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या 180 माइनस गया मेरे पास क्या बचा 60। अब जो जो आंसर आएगा वही मेरे पास क्या होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो अब मैं यहां वैल्यू पुट करने वाला हूं, वो किसकी पुट करने वाला हूं, बस कॉस 60 की वैल्यू। ओके बच्चों लिखेंगे कॉस 60 degree। डन 60 degree, ये 60 degree कैसे आया समझ में आया मेरे पास कि भैया ये मेरे पास पहली वाली कंडीशन है, यहां मेरे पास हेड से टेल मिल रहा है। ओके अब वैल्यू सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा मेरे पास देखते हैं, 25 + 25 मेरे पास, देन प्लस ये तो 50 हो चुका मेरे पास, इनटू cos 60 वैल्यू क्या होती है मेरे पास, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाई थी, cos 60 वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/2, क्या थी बच्चों 1/2 थी। ओके सॉल्व करेंगे, कट किया क्या है मेरे पास 25 आएगा मेरे पास, देन मैं हम यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, क्या होगा मेरे पास 25 25 क्या होगा मेरे पास 50 क्या मेरे पास 25 25 का मेरे पास 50, ये मेरे पास 50 प्लस ये क्या होता है मेरे पास फिर से 25, ठीक बचे मेरे पास आंसर है मेरे पास 5 25 मतलब 75 भी आने वाला मेरे पास। डन तुमने बोला जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा √75 newton, क्या मेरे पास √75 newton।
आप चाहें तो इसे और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। आपका मतलब बोलेंगे आर रिजल्टेंट, आपका क्या है आर नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या है आपका रूट 75। आप चाहें तो इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, रूट को सॉल्व करना होगा आपको। डन, कोई डाउट इसके बच्चे? तो ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। डन, ऐसे इसके बीच में बहुत सारे मेथड्स होंगे। और याद रखना बच्चों, ये केवल फोर्स के लिए नहीं है, सभी टाइप वेक्टर क्वांटिटीज के लिए है। कि सभी टाइप वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से, किन्हीं भी दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए भी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को एड करना हो तभी मैं इसका यूज करता हूँ। ओके, तो कैसे यूज कर, समझ में आया बस? इसी वजह से हम कुछ मेकर्स करेंगे और नई नई बातें सीखेंगे। अभी आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। देन अभी हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि फोर्स होता क्या है, हमने वो जाना, फोर्स को मैंने डिफाइन किया, मैंने पता किया फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। और सीधे यूनिट क्या मेरे पास डाइन, और वन डाइन और आपके न्यूटन में क्या है रिलेशन, हम बोल सकते हैं वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। ओके बच्चों, देन हमने क्या जाना आपका, हमें जाना कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। हमने वेक्टर का फॉर्मूला सीखा, रिजल्टेंट फोर्स निकाल के मैग्नीट्यूड का, हमने दोनों लॉ सीखे जिसके हेल्प से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैलोमान लॉ, है ना। देन उसके बाद हमने कुछ मेथड्स किए और हमने सी एम आपको समझा कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, मेरे पास फोर्स के दो टाइप थे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, दोनों को हमने मैथमेटिकली भी सॉल्व किया कि कैसे बैलेंस फाइंड करेंगे और कैसे हम अनबैलेंस फाइंड करेंगे। डन बच्चों, चलिए तो देन आज हमने बहुत सारे मेथड भी किए इसके बेस पे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार जब हम आएंगे तो हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को डिफाइन भी करेंगे और देन फर्दर आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डन बच्चों, आप नोट कर लीजिए।